हेलो दोस्तों, नमस्कार। ज्ञान गरिमा में आपका स्वागत है। आज है 14 मई 2020 के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। किस राज्य को सोरई खोबर प्रिंटिंग को GI टैग मिला है? सोबराई खोबर प्रिंटिंग झारखंड को GI टैग मिला है। अब इसको GI टैग मिला है झारखंड के हजारीबाग में स्थित आदिवासी महिलाओं के द्वारा इनको बनाया जाता है। अब इस पेंटिंग को GI टैग मिला है। GI टैग जब कोई वस्तु या चीज़ को पार्टिकुलर फेमस हो जाता है, तो उस चीज़ को GI टैग में उसकी पहचान के लिए GI टैग दिया जाता है। अभी तेलंगाना के तेलिया रुमाल को भी GI टैग मिला है। इसमें 3 कलर का यूज किया जाता है, रेड, ब्लैक एंड वाइट। अलग अलग तरह की डिजाइन बनाई जाती है। इससे पहले मणिपुर के ब्लैक राइस को GI टैग मिला है दोस्तों, और टेरा कोटा गोरखपुर को GI टैग मिला है। यह दोमन मिट्टी से अलग अलग डिजाइन बनाई जाती हैं, और टेरा कोटा को इसे टेरा कोटा कहते हैं दोस्तों। तमिलनाडु के केटलाई मिठाई को GI टैग मिला है। इसके पहले कश्मीरी केसर को जम्मू कश्मीर को GI टैग मिला है इससे पहले। और झारखंड का नाम आया, झारखंड की राजधानी रांची है, और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, और झारखंड की गवर्नर द्रौपदी मुर्मू जी हैं। किस राज्य सरकार ने स्नेहर पोरस योजना शुरू किया है? पश्चिम बंगाल सरकार ने स्नेहर पोरस योजना शुरू किया है। प्रवासी मजदूरों के लिए स्नेहर पोरस योजना शुरू किया है पश्चिम बंगाल सरकार ने। और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, और कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा है दोस्तों। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, और पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़ जी हैं जो गवर्नर हैं। हाल में नगर विमान महानिदेशालय ने पायलटों की उड़ान लाइसेंस की वैधता कितने दिन बढ़ा दिया? डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो पायलट के लाइसेंस को की वैधता 90 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। इसमें पायलट की लाइसेंस जिस पायलट की लाइसेंस अभी ख़त्म हो गया, उसे 90 दिनों तक बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन के चलते, क्योंकि पायलट को उड़ाया नहीं जा रहा है, इसलिए इनका लाइसेंस 90 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है दोस्तों। किस देश ने fitchess.com ऑनलाइन नेशन कप जीता है? fitchess.com ऑनलाइन नेशन कप चाइना ने जीता है। और फिट कप ऑनलाइन चेस अमेरिका को हराकर जीता है। और फिट कप क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज की संस्था है, इसका आयोजन किया गया था। और चाइना का नाम आया, चाइना एक नई करेंसी लॉन्च किया है जिसका नाम है DCEP लॉन्च किया है, मतलब डायरेक्ट करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। डायरेक्ट करेंसी DC का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ई लॉन्च किया है। हाल में जेरी स्टील का निधन हुआ, वे कौन थे? जेरी स्टील अमेरिका के एक कॉमेडियन थे जिनका हाल में ही निधन हो गया दोस्तों। फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला सानिया मिर्जा बनी है। फेड कप अब हार्ट अवार्ड विश्व की सबसे बड़ी वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय महिला प्रतियोगिता है। अब इसको जीत लिया है तानिया मिर्जा ने। हाल में मनमीत सिंह बालिया का 58 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, ये किस खेल से संबंधित थे? मनमीत सिंह बालिया टेबल टेनिस खेल से संबंधित थे। मनमीत सिंह बालिया ये भारत के प्रतिष्ठित टेबल टेनिस खिलाड़ी थे। अभी हाल में 58 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया दोस्तों।
किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों को स्थानांतरण पर रोक लगा दी है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने सभी सरकारी कर्मचारियों का ट्रांसफर पर रोक लगा दी है। यह लॉकडाउन के चलते किया गया है दोस्तों। उत्तर प्रदेश का नाम आया दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आदित्य योगीनाथ जी हैं और गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी हैं। हाल में CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हाल में CBSE के नए अध्यक्ष मनोज आहूजा जी बने हैं। मनोज आहूजा जी उड़ीसा के कैडर के IAS अधिकारी हैं। अब ये CBSE के नए अध्यक्ष बने हैं। CBSE का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल सेंट्रल बोर्ड ऑफ सिक्योरिटी ई एजुकेशन और इसकी स्थापना 1962 में हुआ था। CBSE का हेडक्वार्टर राजधानी भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। भारत के किस शहर में होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान अनिवार्य है? भारत अहमदाबाद शहर, गुजरात के अहमदाबाद शहर में होम डिलीवरी के लिए डिजिटल करेंसी मतलब भुगतान अनिवार्य है। अहमदाबाद में जितनी भी होम डिलीवरी हो उनके डिजिटल पेमेंट अनिवार्य कर दिया गया। यह लॉकडाउन के चलते किया गया है जो कि पैसा देने और लेने में बार बार एक हाथ से दूसरे हाथ जाएगा, इससे कोरोना वायरस फैलने की ज़्यादा आशंका है दोस्तों। इसके लिए होम डिलीवरी के लिए करेंसी मतलब पेमेंट कैश पेमेंट पर रोक लगा दिया गया है दोस्तों। नमस्कार, वीडियो कैसा लगा है लाइक करें सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।